अजमेर में कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस खुद ही काफी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर पार्टी के कई दावेदारों की अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, परंतु आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक अलग ही प्रतिक्रिया देखने को मिली। जब कांग्रेस प्रवेशक टिकट दावेदारों के नाम ले रहे थे, उसी समय कांग्रेस निवर्तमान सचिव शिव बंसल और नौरत गुजर के समर्थक आपस में भिड़ पड़े। कार्यक्रम में से लड़ाई का एक वीडियो भी निकलकर सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे से बुरी तरह मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रकरण के बाद शिव बंसल ने चेतावनी दी कि हम हर तरह से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर ये इस तरह का व्यवहार करेंगे क्या, तो ये इसका जवाब जिस तरह वो चाहते उस तरह उसको मिलेगा। अब जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक है, वहां देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस को सर्वप्रथम अपने अंदर झांकने की जरूरत है या दूसरों के अंदर। बच्चों पे वार किया ये देख लीजिए, नौरत गुजर और वोट देता था। आप एक अनपढ़ अनलिखे अनपढ़ कुछ भी कह लो, मतलब आप बेकार से बेकार आदमी, जो एक ना एक व्यवहारिक है ना उसमें कोई दिमाग है ना उसमें किसी से बात क्या हुई थी, बात क्या हुई थी, बात क्या हुई थी, ये पापा बताएंगे। हाँ बताइए। जब हम वहाँ पे हॉल में खड़े थे तो नौरत गुजर ने मेरे को नमस्ते करी, तो मैंने उसका नमस्ते का जवाब दिया, तो मारे थे उसके साथ जो निर्मल पारिक था उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुंह दबाने की कोशिश करी, चिल्लाने लगा। और इसके बाद इसके सारे आदमियों ने, इसके साथ जितने भी गुंडे आए थे, उन्होंने हाथ छोड़ने की कोशिश करी, लेकिन मेरे समर्थकों ने मेरे को बचाया। इस दौरान मेरे बच्चे के और उनके दोस्तों के कईयों के खून आलूदा छूटे हैं। अगर ये इस तरह का व्यवहार करेंगे क्या, तो ये इसका जवाब जिस तरह वो चाहते उस तरह उसको मिलेगा, क्योंकि ये लोग कांग्रेस के लिए कलंक है और अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, संगठन के लिए राजनीति कर रहे हैं।